अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम अलैकुम। ताजमहल के चौथे बंद के साथ आपके साथ मौजूद हैं। साहिर लुधियानवी की इस नज़म का ये बंद बहुत मानी खेज भी है, और अगर आप ये कहें कि ये इस नज़म की जान है तो गलत नहीं होगा। देखिए, साहिर की शायरी बुनियादी तौर पे जज्बे की शायरी है, एहसास की शिद्दत की शायरी है, और ये बंद बुनियादी तौर पर ख्याल और जज्बे की बड़ा अच्छी मिसाल है। ये इमारात और मकाबिर के फसीले ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहंशाहों की अजमत के सतून, सीने दहर के नासूर हैं कहना नासूर, जज्ब है इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। एक आध लफ्ज की वजाहत कर दें, फिर इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। मुतलकुल हुक्म, आप इसको ऑटोक्रेट समझ लीजिए, जिनके हुक्म से कोई सरताबी ना कर सके, जो मुकम्मल इख्तियार रखते हों। मुतलकुल हुक्म, मुतलक का मतलब ही एब्सोल्यूट है, मुकम्मल। और फिर सीना दहर, तारीख, जमाना या तारीख। नासूर, कहते हैं किसी खराब होते हुए सड़ते हुए जख्म को, और इस इमेजिनरी को सामने रखते हुए अब हम इस बंद की वजाहत और तशरीह शुरू करते हैं। ये इमारात और मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार, ये शानदार इमारतें, बुलंद बाला मीनार, ऊंची ऊंची दीवारें, वसी और ईज़ चमनजार, बहुत खूबसूरत, बढ़त बड़ी कब ग्रैंड कहते हैं, अजीमशान इमारतें, जो देखकर जिनसे रोब तारी हो जाए। साहिर इन इमारात को बादशाहों की अजमत के सतून कहता है। ये इमारतें, ये शानदार फसीलें, ऊंचे ऊंचे मीनार, ये सब तामीर किए जाते हैं बादशाह की बड़ाई, उसकी अजमत और उसकी शान शौकत का खौफ रियाया के दिलों पर बिठा देने के लिए। उसके जो महकूम अवाम हैं, उसके जो गुलाम हैं, उनको ये एहसास दिला देने के लिए, उनके दिलों और दिमागों पर ये हैबत तारी कर देने के लिए कि बादशाह बहुत अजीम, बहुत साहिब जबरूत है, उसकी हम बराबरी नहीं कर सकते। साहिर लुधियानवी ये कहते हैं कि ये इमारतें हुस्न का मुरक्का नहीं, ये दहशत की अलामत हैं। आप ये सोचिए कि जिन बादशाहों ने ये इमारतें तामीर की, उनकी रियाया किस कस्म के घरों में रहती है? मिट्टी के कच्चे मकान, छोटे छोटे एक मंजिला, जहां ना रोशनी है ना हवा। ये वो लोग हैं जिनके हुक्मरान इतने अजीमशान महलात तामीर करते हैं। साहिर को शिकवा ये है कि ये इमारतें लोगों को सिर्फ खौफजदा करने के लिए तामीर की जा रही हैं।
इनमें कोई आर्टिस्टिक ब्यूटी तलाश करना, कोई जमालियाती हुसन तलाश करना बेकार है। ये तो बनाई ही इसलिए गई थी कि ये जमीन पर रेंगने वाली बेनाम मखलूक कहीं बादशाह के सामने नजरें उठा के जीना ना सीख ले। इन इमारात का मकसद ही ये था कि ये लोग हमेशा जहनी तौर पे भी, जज्बाती तौर पे भी बादशाह के गुलाम रहें और उसकी बराबरी करने का कभी सोच भी ना सकें। और ये इमारतें साहिर के लिए सीने दहर के नासूर हैं, कोहना नासूर। ये इमारतें खूबसूरत नहीं, शानदार नहीं, मुतासिर कुन भी नहीं, ये उसको सड़ते हुए जख्म लगती हैं। कभी सोचिएगा कि कोई सड़ता हुआ जख्म, गंजरीन, अपनी कितना कराहत आमेज तस्वुर इस्तेमाल किया गया है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई खराब होता हुआ जख्म देखने का मौका मिला हो, अल्लाह ना करे मिला हो वैसे, लेकिन अगर मिला हो तो आपको ये एहसास होगा कि वो जख्म देखने में बुरा, कराहत आमेज, हाली डिस्गस्टिंग, इंतहाई तकलीफ देह है और इंतहाई बदबूदार है। अब साहिर ने इन इमारतों के लिए नासूर का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कि तारीख के नासूर हैं, हुस्न नहीं। इनसे हमारे अजदाद का खून टपक रहा है क्योंकि ये इस्तेहसाल की अलामत हैं, जुल्म की अलामत हैं। ये इस बात की निशानी है कि किस तरह बादशाहों ने हमारे आबाओ अजदाद अपनी रियाया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मेहनत, मुशक्क़त, फन आम लोगों का था, जिंदगी आम लोगों की थी और उससे फ़ायदा इन मुक्तदर हुक्मरानों ने उठाया। देखिए दोनों बातें, ताजमहल की तामीर के लिए जो दौलत इस्तेमाल हुई वो भी एक मशक्क़त करने वाले किसान मजदूर की थी, जिससे बादशाह वो हक छीन कर अपने खजाने भर रहा है। इसको तामीर करने वाले हुनरमंद मजदूर भी गुलाम थे, इसलिए साहिर के लिए जिसमें जज्ब है तेरे और मेरे अजदाद का खून, मानवी तौर पर भी और इस्तिलाही तौर पर भी, इसकी मेहनत और इसको तामीर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला रुपया, दौलत दोनों गरीबों की थी, रियाया की थी, आम लोगों की थी, और जो उससे शोहरत मिल रही है, नाम बन रहा है, जो याद रखा जा रहा है, वो एक ऐसे बादशाह को याद रखा जा रहा है जो इस्तेहसाल के अलावा और कुछ नहीं करता। वो एक्सप्लॉइट कर रहा है दूसरों की मेहनत, दूसरों की जान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये वो बात थी जिस पर साहिर को इतराज़ है कि जो मेहनत कर रहा है, जिसका काम है, जिसका फन है, उसको उसका कोई अजर नहीं मिल रहा, और जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ
अपनी ताकत और अपनी उस पोजीशन की वजह से, उस मकाम की वजह से वो तमाम क्रेडिट, तमाम अजर, तमाम फायदे का मालिक बन बैठा है। इसलिए जज्ब है इन में तेरे और मेरे अजदाद का खून। अजीज तलबा, ये तो एक बिल्कुल, जब हम बात करते हैं इस नदम के और ताजमहल के हवाले से, ये तो उसकी बात हुई। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अगर हम इसी तसव्वुर को आज के हालात में, जदीद दौर में इंटरप्रेट करें या उसको मुंतबिक करें तो क्या होगा? क्या ऐसा नहीं कि जो लोग असल में मेहनत कर रहे हैं, जिनका असल काम है, उनको अपनी मेहनत का वो अजर नहीं मिलता कि जो सरमायादार और कैपिटलिस्ट हासिल कर रहा है? एक बगैर किसी प्रेजुडिस के मैं एक आम सी मिसाल आपको देता हूं। देखिए, हम मुख्तलिफ कस्म के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, या और बेशुमार आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। जिस इंजीनियरिंग टीम ने या जिस इंजीनियर ने वो सॉफ्टवेयर, डिजाइनर ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या उसको उतनी दौलत मिल रही है कि जितनी उस कंपनी के पास जा रही है जिसने वो मुलाजिम रखा हुआ? नाम लिया बगैर जितने मालिक हैं तमाम बड़े बड़े कंपनियों के, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, तमाम फैशन डिजाइनिंग हो, परफ्यूम्स हो, गारमेंट्स हो, जो भी है, लुब्रिकेंट्स हो, ऑयल हो, कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका असल जहन इस्तेमाल हो रहा है, जो लोग मेहनत करके उस चीज को मुमकिन बना रहे हैं, उनको कितना अजर मिल रहा है, कितना मुआवजा मिल रहा है? और उस मुआवजा देने वाले को उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है? मुआवजा हजारों में मिलता है और जो सरमायादार उससे कमा रहा है वो करोड़ों और अरबों में है। ये वो एक्सप्लॉयटेशन है जिसके खिलाफ साहिर आवाज उठाता है। देखिए, शायरी कभी एक जगह जामिद नहीं होती। बड़ी शायरी खासतौर पर, और हमने साहिर के बारे में ये कहा है कि उसका पैगाम आफाकी है, वो जिन लोगों की बात करता है वो किसी एक जमाने, एक वक्त या एक सूरत हाल तक महदूद नहीं है। जब तक दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन है, जब तक इस्तेहसाल है, जब तक बराबरी के हकूक नहीं है, उस सब तक साहिर का ये कलाम भी हमारे लिए सच्चा है और मौजूद है। इसीलिए हमने ये कहा कि साहिर जो बात अपने हवाले से कह रहा है या एक मोहब्बत के हवाले से कह रहा है, वो एक वसी तर तनाजर में देखी भी जा सकती है, समझी भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।